रोटी वो रोटी वो रोटी नाकाम हो गया सारा सुरूर उतर आंखें भी बहरा आ गई। पीछे से ट्रैकिंग करके आए ट्रैक हाल चूज किया जी तो 5 बजे ऊपर जाना है इसे खाना ला देंगे। सूरज غروب हो गया जा रहा हूँ जी मसरूर राक आज स्कर्दू से 30 किलोमीटर की दूरी पर है रोड एंडो की। उधर से आपको ट्रैकिंग करनी पड़ेगी मसरूर राक जो मशहूर है स्कर्दू की। तो इस जगह आप पार्किंग करेंगे गाड़ी वगैरह बाइक्स की। तो मेरे साथ उस्मान साहब थे हम कार ले आए मैंने बाइक पार कर दिया था स्कर्दू सिटी में। तो अब इधर ट्रैकिंग शुरू करते हैं तो आने वाले सारे व्यूज़ में आपसे शेयर करूँगा। तो निकलते हैं जी फिर मसरूर राक की तरफ एक नया एडवेंचर। अल्लाह हाफिज़। सफ़र का आगाज़ हमने अपर कचूरा से तकरीबन 8:30 किया और 10 बजे के करीब हम पहुंच चुके थे हुसैनाबाद जहां से मसरूर राक की तरफ पैदल ट्रैक का आगाज़ होता है। रास्ते में हमें ग्लेशियर मिला बड़ा ठंडा पानी था जी और आसमान जो था बिल्कुल ब्लू मतलब बहुत ही मज़े का मौसम था। वो मेरे बैकग्राउंड में जो आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं ये खुबानी के दरख्त थे। हमने जब इनको क्रॉस किया तो उसके बाद हमें थोड़ा सब्ज़ा नज़र आना शुरू हो गया। अनजान इलाकों में गाइड का ना लेना एक सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। अब उस बेवकूफ़ी का खमियाजा किस तरह भुगता जाता है वो तो खैर आपको वीडियो में नज़र आएगा। एक मक्खी जो कि जंगली पीले फूल पर बैठी हुई थी उसको फिल्माते हुए बाएं जानब जब देखा तो एक पहाड़ नजर आया। गुमान ये हुआ कि शायद इसके बाद मसरूर राक हो और हमारा सफ़र ख़त्म हो जाए और यही हमारा गुमान हमें ले डूबा। इधर हुई सबसे बड़ी गलती कि हमने असल रास्ते को छोड़ा और बाएं जानब अपने कदम बढ़ाने शुरू किए। थोड़ा बहुत एहसास हो रहा था कि यार गाइड लेना चाहिए था लेकिन नहीं जी हम अपनी जिद पे अड़े रहे। ये देखें जी एक जंगली बूटी है अजीबोगरीब किस्म की और ये रास्ता देखें बिल्कुल बंजर। ये इसी तरह की जो जड़ी बूटियाँ हैं वही हैं रास्ते में और ये ऊपर पहाड़ देखें। पहाड़ देखने के बाद भी हम बाज ना आए और हमने अपनी पेशकदमी जो है वो बिल्कुल जारी रखी। थकावट हो रही थी लेकिन हम बर्दाश्त किए जा रहे थे। थोड़ा सा ट्रैक करने के बाद महसूस हो रहा था यार गलती हो रही है कुछ तो गड़बड़ है लेकिन नहीं हम अपनी जिद पे अड़े रहे। और फिर ये हुआ जनाब 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 मसरूर की ट्रैकिंग करते हुए सारा सुरूर उतर गया सुखद तो भाई निकल गई है जी। ट्रैक चेक करें पत्थरों वाला गाइड भी कोई साथ नहीं है जो हमें ऊपर लेकर जाए। तो इस कमज़ोर आदमी की तो भाई निकल गई है जी सुखद। 12 बज रहे थे गर्मी बढ़ रही थी और हम ट्रैक किए ही जा रहे थे जबकि हमें अंदाज़ा हो गया था कि अब हम गलती ही ट्रैक पर मौजूद हैं। कुछ अजीब सा तो महसूस हो रहा था यार कि कुछ तो गड़बड़ है इधर। और फिर कुदरत ने अपना फैसला सुनाया और हम एक ऐसी जगह पर खड़े थे जो डलवान थी शदीद और नीचे उसके खाई थी। अगर मैं उधर स्लिप होता तो मेरी बोटी भी ना मिलती। मेरे पाँव बिल्कुल लड़खड़ा रहे थे। ऊपर पहाड़ की तरफ देखा तो हमें एक अजीब चीज़ नज़र आई। ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है ये एक जानवर है जो ऊपर तो चला गया लेकिन वापस नहीं आ सका मतलब हमारी लग चुकी थी इस वक्त ठीक ठाक। आखिरकार हमें महसूस हो गया कि हमने गाइड ना लेकर बहुत बड़ी गलती की और अब ज़ाहिर है इन पत्थरों पर मरने से बेहतर था कि वापस नीचे उतरें और नीचे जाकर हम गाइड लें। लेकिन एक और मसला वो ये कि जी मेरा गोप्रो कहीं मुझसे गिर गया इन्हीं पत्थरों पर। मैं हूँ सुगत मसरूर राक के ट्रैक की तरफ मेरा गोप्रो इसके साथ लगा था कहीं गिर गया तो वो बैग में था ये कुछ समझ नहीं आई कहाँ गिरा। तो अभी मैं ढूंढ रहा हूँ उसको और मैं नाकाम हो गया हूँ। मतलब ये कि मेरे इस टूर की तमाम तर वीडियोस ख़त्म हो गई। हमने ट्रैक अधूरा छोड़ा क्योंकि हम गलत ट्रैक पर चढ़ गए थे और वहाँ से गाइड लिए और इन गाइड को साथ लेकर जाकर दोबारा ट्रैक करना है। सबसे बड़ा इशू ये हो गया है कि मैं अपना गोप्रो जो एक्शन गेम था वही वहाँ घुमा आया हूँ
अब सबसे बड़ी टेंशन ये बन गई है, अभी हम जा रहे हैं उसी गल ट्रैक पर गोप्रो कैमरे को ढूंढने, क्योंकि बाकी डेटा उसमें है, तो देखते हैं फिर अगर वो मिल गया तो बहुत अच्छा, ना मिला तो ये वीडियो भी अपलोड नहीं होनी। हाँ जी, कैमरा गुम हो गया था जो मैंने बताया आपको, इन भाई ने ढूंढ के दिया मुझे, बड़े दूर गए रहे, बड़े दूर, जिधर आखिरी वीडियो बनी थी इससे पहले वाली, उधर से इन्होंने कैमरा ढूंढ के लाया, बड़ी खुशी हुई है। अभी ये खाना ला कर देंगे और खाना हम खाएंगे इधर ही, और उसके बाद दोबारा ट्रैक शुरू करेंगे। टाइम हो गया 3, आवाम है मेरे पे बहुत तपी हुई, लेकिन इंशाल्लाह सब बेहतर। जी जिसने अखबार किया, इसने ट्रैक हाल चूज़ किया, जिसकी वजह से पिंज निकली और मेरा गोप्रो घुमा। अभी लोकल आदमी एक दो उनको हमने भेजा खाने के लिए, वो खाना लेकर आएंगे, ठीक है, तो फिर खाना खा कर हम निकलेंगे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मैंने पहले कहा था इसे गाइड कर लो, तो ये कह रहे हैं नहीं हम खुद चले जाएंगे, हमें ज्यादा आपको पता है ये झूठ बोलता है। सीन कुछ इस तरह से है, मैंने कुछ लोगों को पैसे दिए कि वो खाना लेकर आए, गोप्रो तो मिल चुका है, फिर ताकि खाना खा कर इधर ट्रैकिंग शुरू करें, लेकिन अभी तक वो नहीं आ रहे, तो लिहाजा अब मैं आवाज़ें लगाने लगा हूँ, क्या पता वो मेरी आवाज़ सुन लें, क्योंकि वो हैं मुझसे बड़े दूर। नाजरीन व हाजरीन, अब हम लगाएंगे आवाज़ें। रोटी वो, रोटी दे वो, रोटी वो, रोटी वो, रोटी वो, रोटी वो, रोटी 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 रोटी। मेरी आवाज़ सुन ली गई है, अब कोई आ रहा है जो मुझे खाना देगा। ये लोकल लोगों को भी बताया था राशन ले आए, ये देखिए वो कितना एक राशन लेकर आए हमारे लिए, ठीक है 500 रुपये में, समझे इन्होंने पूरी दुकान खरीद के ले आए हमारे लिए, ये चेक करें जी आप, ठीक है। ये होता है स्कर्दू का प्यार और मोहब्बत, ये दो बंदे जनाब स्पेशल हमारे लिए ये राशन लेकर आए, हमने आखिर गाइड लेने पड़े जी हमें, और ट्रैकिंग का आवाज़ दोबारा हो रहा है 4:15, 10 बजे पहले शुरू की थी, फिर ट्रैक गलत पकड़ा, उधर से वापस आए, फिर गोप्रो घूम गया, फिर इसको ढूंढा, इसको ढूंढ के दोबारा लिया, और अब फिर दोबारा ट्रैक पर हम आ गए, ठीक है जी। पहले जो ट्रैक किया था हम यहाँ से स्टीप ऊपर चढ़ाई शुरू की और उधर जाकर हम स्टक हो गए थे, फिर वहाँ से वापस आए नीचे, और अभी इधर दोबारा ट्रैकिंग शुरू की है हमने, और इस रास्ते से जाएंगे जो असल रास्ता है, अब हमें गाइड्स मिले। जब भी आपने आना है इधर मसरूर राग की तरफ, तो ज़रूर आपने गाइड ले लेने ले, ठीक है, गाइड होंगे जो पानी वगैरह उठाएंगे, क्योंकि इधर प्यास वगैरह बहुत लगती है, खुश्क एरिया थोड़ा सा, ठीक है जी, ये ज़रूरी है। गाइड ना लेने की गलती की सज़ा हमें मिल चुकी थी, और हम अभी ट्रैक के 5% कम्प्लीट होने के बाद ही थक चुके थे, हमारी हालत गैर हो रही थी। अभी इस जगह से हमने ऊपर जाना है इस जगह। अच्छा जी, अभी शाम के 5 बजे और तकरीबन हाफ हम कर चुके हैं, अभी आधा रहता है, तो देखते हैं क्या सीन होता है, कोशिश तो यही है कि अंधेरा होने से पहले पहुंच जाए, बाकी व्यूज चेक करें यहाँ का। पांच तो बज गए थे, लेकिन सफर आधा नहीं हुआ था, सफर अभी भी तकरीबन 20% हुआ था। गाइड रवायती झूठ, आ गया से हमें बेला रहे। उस्मान भाई तो कैमरा दिया था, मैं थोड़े से व्यूज कैप्चर कर लें, क्योंकि मेरी जबान बाहर आ गई थी चल चल के। चीटा कशा के ट्रैक में जबान बाहर आई थी, इसके ट्रैक में आंखें भी बाहर आ गई, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड।
ये तो होगा, ये होगा। वो नीचे से ट्रैकिंग करके आए, वो स्ट्रिप्ट जो चढ़ाई है वो खत्म हो चुकी है, ये देख सकते हैं आप। ये सबस सी जगह मुझे बहुत अच्छी लगी, मेरा दिल किया मैं यहाँ रुकूं, लेकिन मैंने पेशकदमी जारी रखी। मुझे नहीं था मालूम कि मैं यहाँ पे रुकूंगा, कब और किस वक्त, ये आप देखेंगे। ये कुछ व्यूज हैं इधर के, बहुत सांस पूरी है, बहुत टफ था। वो नीचे से घूम घूम कर आए, वो सामने इंडस्ट्री वर और कर दो, वो भी पूरे जाने। गाइड ना लेना, फिर ट्रैक गल चूज करना, फिर गोप्रो का घूमना, फिर दोबारा गाइड लेना और बे वक्त ट्रैक शुरू करना, इन सब गड़बड़ के बाद आखिर वो काम होने वाला था जिसका हम तसव्वुर ही नहीं कर सकते थे। वो शेर है ना, बस देखते ही देखते क्या कहें नौशाद, सूरज गुरूब हो गया और हम देखते ही रहे।